स्वामी, क्या अक्रिय ध्यान करने से पहले सक्रिय ध्यान करने जरूरी है? अगर आप ओशो की पद्धति में चल रहे हो तो एक लाइन में ये जरूरी है। इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे मैं कुछ कारण आपके सामने बोलता हूं। जो ध्यान की पद्धति है, ये स्टेप दर स्टेप विकास की एक प्रक्रिया है। अब स्टेप तो इसमें निर्धारित करने ही होंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेप है कि सक्रिय ध्यान से गुजरना जरूरी है, ये ओशो ने निर्धारित किया है। बहुत साल पहले जब वो खुद कैंप लेने जाते थे तो वो शुरू में अक्रिय तरह की विधियां कराते थे, उस समय सक्रिय ध्यान बने ही नहीं थे। ये 70 से पहले, 70-72 से पहले, तो उसमें सक्रिय तरह की विधियां नहीं थी। तो अक्रिय तरह की विधियों को प्रचलित करने पर उन्होंने पाया कि इसके साथ एक खास तरह का व्यवहार लोग करने लगे, और कुछ भी हिप्नोटिक एक ट्रांस में वो एक्ट करने लगे, कुछ भी बोलने लगे। तो उस समय उनको ये महसूस हुआ कि भाई नहीं, भीतर कोई एक चीज है जिसकी निर्जरा जरूरी है। और उसी समय उनको कुछ वेस्ट के साइकोथेरेपिस्ट मिल गए, जिनकी हेल्प से, और उनकी तो जाहिर है प्रज्ञा थी इसमें, तो उन्होंने कुछ सक्रिय तरह की विधियां ईजाद की। उसके प्रयोग के साथ उन्होंने देखा कि उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई सक्रिय तरह की विधि तो करनी ही चाहिए। अब बात हम जनरली कर लेते हैं, जब भी कोई सक्रिय तरह की विधि से गुजरता है तो उसके भीतर कुछ सीमाओं को टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है और थोड़ा शीघ्रता से हो जाती है। तो आज की दुनिया में लोगों के पास समय तो कम है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि लोग 20-20 साल 40-40 साल साधना कर रहे हैं, वो घर परिवार में भी है, वो नौकरी जॉब में है। तो कोई ऐसी विधि की जो कि तेजी से थोड़ा काम करे और मनुष्य की साइकोलॉजी पर उसकी पकड़ बने, तो ओशो ने कुछ ऐसी विधियां बनाई जिसमें ये तत्व मिलता है। सक्रिय ध्यान है जिसमें रेचन है, या कुंडलनी मेडिटेशन है जिसमें हम शरीर को कपा के थोड़ी तरलता लाते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, इस तरह की विधियां उन्होंने बनाई। तो सक्रिय ध्यान करने से हमारे भीतर के कुछ सीमाएं टूटती हैं, पहले पहले कदम में कुछ साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स टूटते हैं, और उतनी दूरी तक उस दायरे में हम एक आंतरिक मुक्ति का एहसास करते हैं। तब आता है, जब इतनी मुक्ति हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा स्थिर तो स्वयं ही हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको खुद ही अक्रिय तरह की विधियां अच्छी लगने लगती है। और वैसे तो ध्यान एक निष्क्रिय अवस्था है, वो कोई क्रिया तो है नहीं। विधि चाहे सक्रिय हो चाहे अक्रिय हो, वो तो एक टूल ही है, डिवाइस ही है। तो अल्टीमेटली तो यही होता है कि जब आदमी सक्रिय तरह की विधियों से गुजरता है तो भीतर की हलन चलन थोड़ी दुरुस्त होने लगती है, बैलेंस होने लगती है, तो वो खुद ही अक्रिय तरह की विधियों की तरफ बह जाता है। और ये सही भी है। तो उस हिसाब से अगर कोई नया व्यक्ति ओशो के इसमें शुरू करता है ध्यान साधना, तो जरूर उसको सक्रिय तरह की विधियां करनी चाहिए, और एक अक्रिय तरह की साथ में करता रहे, लेकिन प्रायोरिटी सक्रिय की है, इससे बचना ठीक नहीं होता है। तो इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है स्वामी, ये राजस्थान से किसी ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि मैं लगभग 4 सालों से डायनामिक, मतलब 4 सालों तक डायनामिक किया है उन्होंने, और अब वो विपस्सना में बैठते हैं। ध्यान में जो विचार बहुत आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता एक घंटा कैसे बीत गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कृपया मार्गदर्शन कर। इसको 2-3 तलों पे समझने की कोशिश करिए। एक तो ये है कि जो हमारा ये मन है, ये एक यंत्र है, और ये विचार करने के लिए ही बना है। हमने इसकी ट्रेनिंग ही ऐसी दी है कि ये विचार करेगा। इसके विचार करने के कारण ही हम संसार में अपना कारोबार रोजगार कर पाते हैं, हम नौकरी व्यापार घर परिवार अपना फाइनेंस हेल्थ इस विचारिक शक्ति के कारण ही निभा पाते हैं। तो एक तरफ हमें इससे फायदा हो रहा है, पहली बात तो यह है। जैसे हमारा दिल, ये जो हार्ट है, ये ब्लड को पंप करने के लिए बना है, है ना। हमारे हाथ है काम करने के लिए बने, हमारा पेट है डाइजेशन के लिए बना है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम तब ये नहीं कहते कि भाई मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, मेरा हार्ट 1 घंटे के लिए रुक जाए, क्यों नहीं कहते। लेकिन हम मन को ये डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुम रुक जाओ 1 घंटे के लिए, वो अपना काम कर रहा है, हमने उसको ट्रेन किया है वैसा, तो वो अपना काम कर रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ इतनी जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं है कि निर्विचार कितनी जल्दी हो और कैसे हो। निर्विचार होना एक क्षमता है, और ये सभी ध्यान करने वालों को उपलब्ध नहीं होती है। भले ही सारे ध्यान करने वाले एक जैसा ध्यान कर रहे हो, एक ही कालखंड में कर रहे हो, हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है फ्लावरिंग की। कुछ लोगों की क्षमता होती है कि वो निर्विचार जो है, यानी जो विचार शून्यता है, इसके तल को जल्दी छू लेते हैं और उसमें थोड़ी देर टिक भी पाते हैं। ये कुछ की क्षमता होती है, उनके लिए संतोष का कारण है। लेकिन कई अन्य ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावरिंग इसमें नहीं होती है, उनकी फ्लावरिंग डिटैचमेंट में हो जाती है, उससे उनको इतना ही संतोष मिलने वाला है जितना किसी निर्विचार चैतन्य को छूने वाले को मिलेगा। तो पहली बात यह कि ये जो धारणा पकड़ जाती है
कि ध्यान में बैठने तो निर्विचार होना ही चाहिए, एक तो ये बात ठीक नहीं है। वो अपने समय से जो होना होता है वो होता है। जब हम ध्यान की पद्धति को शुरू करते हैं, सही भूमिका और सही पृष्ठभूमि हम लेके चलते हैं, तो नेचुरल फ्लावरिंग होती है, अनेक अनेक दिशाओं में फ्लावरिंग होती है। तो एक तो ये एक धारणा को पकड़ लेना, अन्य परिणामों के लिए बंद हो जाना है। मगर कहने का मतलब कि अगर उस तरफ आपके अनकंडीशनल लव फ्रूट भी रहा होगा, तो हमारा मन लगा होगा निर्विचार नहीं हो रहे, हम तो निर्विचार नहीं हो रहे, तो वो संभावना भी ड्रॉप हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज को, साधक को जो भी साधना कर रहा है, इसको निंदा के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो कुछ भी हो, ये सब हमारे मन में उठने वाले आवेग हैं, उद्वेग हैं, इसमें निंदा रूप में कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर विचार भी उठ रहा है तो निंदा में नहीं। हमें अगर जैसे ही हम कहते हैं कि हो नहीं रहा है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, और जहां हमें करना है विटनेसिंग का प्रैक्टिस, विटनेसिंग का अभ्यास करना है, वो हम अटैच होकर कभी भी नहीं कर सकते। तो इसमें समस्या ये आती है कि ओशो के प्रवचन सुनने से बहुत जल्दी ये विचार पकड़ लेता है कि निर्विचार होना है। वो नेचुरल वे में जब होता है तो बड़ा सुखकारी होता है, और वो परिणामकारी तभी होता है। किसी को निर्विचार होना है, किसी के अंदर प्रेम का प्रस्फुटन होगा, किसी में विनम्रता की तरह ये खिलेगा, किसी में बुद्धिमानी की तरह खिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो एक तो यह है कि इस धारणा को इतना बल नहीं दिया जाए, इसकी निंदा भी नहीं की जाए, और दूसरी बात यह है कि निर्विचार की तरफ लगातार जब भी ध्यान में बैठते हैं तो सारा कॉन्शियस निर्विचार की तरफ लगा, जो लोग बहाने लगते हैं उनके साथ ये समस्या आती है, वो अपने में स्थिर ना होकर के इस बात के प्रति बहुत अवेयर रहते हैं भीतर भीतर कि विचार कब टूटेगा, कब वो गैप आएगा, चाहे वो एक सेकंड का हो, दो सेकंड का हो, तो सारा चैतन्य उधर को बह रहा होता है, पूरी जीवन ऊर्जा उधर को बह रही होती है। इससे अच्छा है कि वो अपने भीतर ठहरने का प्रयास करें। इतने लंबे समय से कर रहे हैं अगर, उसके उसमें क्या होता है कि अगर अपने में आप स्थिर होते हो तो भी मन बात करेगा, लेकिन वो इतनी दूर से करेगा, उसकी इतनी दूर की प्रतिध्वनि होगी कि आपकी आंतरिक अवस्था को वो छू भी नहीं पाएगा, तब भी वो बोलता रहेगा क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन वो इतनी दूर से बोलेगा कि आपकी भीतर की सुकून शांति जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो उस वहां तक नहीं पहुंचेगा। तब आप ये बात नहीं उठाएंगे कि निर्विचार नहीं होते, तब आप कहोगे कि ना हो निर्विचार, हमें तो सुकून मिल ही रहा है, यही इसका एक सरल सीधा तरीका है। और फिर निर्विचार की क्षमता सबकी होती भी नहीं है, हर संभावना के लिए ओपन भी रहना चाहिए। मतलब फिक्स नहीं है कि भाई अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो निर्विचार ही होंगे। पहले तो यही फिक्स नहीं है कि आप ध्यान के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो, इस पर्टिकुलर विधि के लिए। कहीं आप प्रेम के लिए तो नहीं बने हो, कहीं आप कर्म के लिए तो नहीं बने हो, ये तीन ही मार्ग है। ज्ञान का मार्ग है, मार्ग ज्ञान का नहीं है, मार्ग ज्ञान का है जिस पर साधन ध्यान है। ध्यान को करने से हमें किसी चीज की उपलब्धि होती है, वो ज्ञान है। भक्ति का मार्ग है या फिर कर्म का मार्ग है, पहले तो यही नहीं पता है, लेकिन सभी तरह के लोग विपसना शुरू कर देते हैं तो उसमें संघर्ष होता है, होना ही है, अपनी प्रकृति को पहचाने बिना। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के मार्ग पर आंख बंद करके नहीं चल सकते, चलना भी नहीं चाहिए, कि आपको अगर अपनी प्रकृति पकड़ में आ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है, अन्यथा संघर्ष होता है, हो जाता है उसमें भी, मगर संघर्ष लंबा होता है और वक्त लगता है उसमें, लगातार जूझना पड़ता है, उतना धैर्य साधक में होता नहीं है, उतना खींच जाता है, फिर वो कहता है कि भाई ध्यान ठीक नहीं है या ये गुरु जी ठीक नहीं है। स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 1-1.5 साल से विपसना ही कर रही थी, साथ में सक्रिय ध्यान वैसे नहीं करती पर रेगुलर वॉक 1.5 घंटे वो मेरा था रूटीन। नेचर मेरी थोड़ी है चंचल, लेकिन इससे मैंने एक चीज़ मेरे अंदर घटित हुई जो मुझे भी लगा कि ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। जैसे स्कूल जाती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ, तो ये पहले नहीं होता था। क्या होना, ऐसे अंदर से ऐसा कुछ फूटता है, किसी के लिए भी हो जाता है कि मन कर तो एक प्यार की प्रेम की बहुत गहरी लहर उठती है, और जब मैं अगर उसको ना निकालूँ ना तो मुझे बेचैनी होती है बहुत, मतलब मुझे निकालना ही पड़ता है। जैसे बच्चों पे प्यार आएगा तो बच्चों को हक करूँगी, वो करूँगी, या जैसे एक बार बड़ा अजीब सी चीज़ हुई कि मेरी स्कूल की जो ऑनर हैं बड़ी वैसी हैं, उनको देख के पता नहीं मेरे मन में एकदम जैसे होता ना लहर उठी कि इनको ना मेरे को मतलब कि ऐसे कुछ करना है, पता नहीं क्या, और ऐसी लहर उठी और फेस पे भी प्रसन्नता आई, और मैंने उनको ऐसे करा, ऐसे फ्लाइंग किस करी जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी मेरी ऑनर को, मतलब ना, और उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने भी मुझे देख करके ऐसे करा, और मतलब फिर उसके, और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। पहले मैं सोची थी कंट्रोल करूँ कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि अंदर से कोई ऐसी लहर उठती है और फिर मैं उसको नहीं रोक पाती हूँ। तो ये
ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब इनबैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। दूसरा, ध्यान करते हुए कितनी बार, जैसे मैं लेट के करती हूँ बैक की प्रॉब्लम से, तो शरीर इतना भारी हो जाता है, लगता है कि बिल्कुल उठ रहा है और बहुत पेन फील होता है बॉडी में, मतलब लग रहा है कि समथिंग कुछ बहुत ऊपर उठने की कोशिश शरीर कर रहा है पर बहुत भारी हो गया है। और कभी कभी एक क्षण के लिए, एक क्षण, वो क्षण भी शायद कहना नहीं कि उससे भी कम टाइम होगा, जब ऐसा ऐसा पीरियड आता है जिसमें ना कुछ अलग सी अनुभूति होती है, बहुत एक क्षण के लिए बहुत सुकून, जो कि लाइफ में शायद किसी भी चीज़ में मुझे ना मिला हो, लेकिन वो बस एक क्षण के लिए घटा और फिर चला गया, फिर विचार शुरू हो गए। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जो फीलिंग्स जैसे मैंने आपको बोला एकदम से अचानक जो उठती है, वो उसे मुझे रोकना है या क्या कर, उसमें उस समय मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि हर समय तो आप, अभी मेरे को किसी को कुछ करने का मन कर रहा है तो कोई गलत भी समझ सकता है, या कोई कहेगा इसका दिमाग तो नहीं चल गया है, किस तरह की हरकत कर रही है। लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज़ का जवाब नहीं होता है सीधा सीधा, सीधा जवाब होता है मगर सीधा सीधा होता नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। तो कारण ये है कि एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी हर चीज हो रही है उसका जवाब मानसिक रूप से, अगर आपको कोई सुकून एक क्षण का दो क्षण का उसमें मिल गया, कुछ आनंद मिल गया, कुछ रहस्य आपने पकड़ लिया, तो उसका काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो आपने पहले कहा, ये जो जब भी कोई ध्यान साधना शुरू करता है, खासतौर से ऐसे किसी गुरु के पास जो सच में किसी नए रास्ते का जन्म रहा है, जो कोई बुद्ध, कोई गुरुजीएफ, कोई ओशो रजनी जैसे लोग, तो उनके आसपास बहुत सारे कारणों से एक सम्मोहन का वातावरण पैदा होता है, हिप्नोटिक ट्रांस पैदा हो जाता है वहां पर, और वो बड़ा ऊर्जा का तेज भंवर होता है जिसमें बहुत लोग घूमते हैं, तो दिन रात उनके विचारों से गुजरते हुए और उनकी वाणी को सुनते हुए, थोड़ा छोटा मोटा ध्यान करते हुए, हमारे भीतर भी अनेक प्रकार की प्रतिमाएं बन जाती हैं जो हम उनके प्रवचनों में या उनकी बातों में सुन रहे होते हैं। वो हमारी मन की एक एक कैपेसिटी है, इमेजिनेशन करना, उसकी कोई स्टैचू बनाना भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, वो मन की कैपेसिटी है, मन में एक क्षमता है, ये गलत नहीं है, उसका ये ढंग है। तो उनके आसपास कई बार जब हम ध्यान में मैच्योर नहीं होते, हमारा व्यवहार संचालित हो जाता है उन कल्पनाओं के आसपास, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यवहार हम करते हैं, अगर वो पब्लिक व्यवहार है, तो जरूर हमें कि रुक के सोच लेना चाहिए कि ये नेचुरली फ्लो कर रहा है या क्यों इसका मोटिवेशन है, वो हमें जरूर सोच लेना चाहिए। अगर हम इनफॉर्मल किसी अपने घर में है या किसी अनौपचारिक उसमें एटमॉस्फेयर में है, तो फिर वहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। पर हाँ, जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेज में ऐसा है, तो उसमें आपको घबराहट भी हुई या कोई ऐसा आपसे हुआ भी, तो वो आपको जरूर सोचना चाहिए बाद में, उस समय तो आपने जो कर दिया वो कर ही दिया। हाँ, वो ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने बताया कि एक हिप्नोटिक ट्रांस में होने लगते हैं और ये अवस्था बहुत लंबी चलती है कई कई बार लोगों की। हम एक स्लीप स्टेट में होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर भी एक स्लीप स्टेट पकड़ लेते हैं हमें, जैसे हमें दुनिया का रंग पकड़ता है ना, जिसको मोटे तौर पे शास्त्रीय भाषा में माया कह दो, ईगो कह दो, है ना, ये अटैचमेंट ये सब कह दो, ऐसे ही हमको एक स्पिरिचुअल रंग भी पकड़ता है, वो भी एक ट्रांस का निर्माण करता है। जैसे दुनिया हमें सुलाती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल पाथ भी हमें सुलाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो भी इसकी कहानी शुरू करता है साधना की, वो एकदम जाग ही जाता है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत बाद में शुरू होती है, जुड़ तो हम आज भी जाते हैं, लेकिन उतना मैच्योर होते होते, हम समझते हुए, उसकी सारी द्वार दरवाजों को पहचानते हुए, हमारा जो अध्यात्म, जो हमारा व्यक्तिगत निजी विकास के लिए जो जब वो कारक बनता है, ये तो बहुत बाद में होता है, इसके पहले तो काफी टाइम साधक डोलते हुए गुजारता है, वो एक हिप्नोटिक ट्रांस है। तो कई बार हमारा व्यवहार उससे संचालित हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, आपकी ड्यूटी यही बनेगी कि भाई आप सोचो, देखो, उसमें थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करो, यही है। इसका कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, अगर उसने बुरा मान लिया होता तो थोड़ा आप ज्यादा सोच लेती, नहीं माना तो, हाँ नहीं माना तो इसलिए आप इतना नहीं सोच रही हैं, पर चलो। और दूसरा ये, जहां तक है कि आप कह रही हैं कि मैं सक्रिय ध्यान की जगह 1.5-2 घंटे वॉक कर लेती हूँ, वो ध्यान नहीं है, वो तो एक्टिविटी है, वो ध्यान बन सकता है। अगर आप घंटे भर तेज वॉक करती हैं, कूर पसीना आता है, तो उस समय हमें ये देखना होता है कि आप वॉक करते समय अपने में अटैच हो या नहीं हो, या चारों तरफ देखते हुए गाना गुनगुनाते हुए आप कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी वेस्ट है। अगर आप वॉक कर रहे हो और आप सिंगल फोकस्ड हो, सिंगल माइंडेड हो कि वॉक
के साथ अटैच हो और वॉक करके आए और आप 20 मिनट आंख बंद करके बैठ गए या लेट गए, तो वो एक्टिविटी ध्यान बन सकती है। मीन जैसे हम वॉक में कुछ प्रवचन सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, नहीं फिर दो क्रियाएं कर ली ना आपने। हाँ। आप तो टाइम का प्रवचन भी लगे हाथ प्रवचन भी सुन लेते हैं, टाइम क्या वेस्ट करना, ऐसा नहीं है। ओशो के प्रवचन खाली कोई म्यूजिक थोड़े, उसमें बहुत कुछ है। म्यूजिक की तरह सुनना बहुत एडवांस स्टेज में होता है, शुरू में तो सीखना होता है कि भाई गुरु कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं। तो शुरू शुरू में तो हमें कुछ ना कुछ तो बिंदु अपने लिए इकट्ठे करने ही चाहिए, तभी तो आगे की कहानी चलेगी जर्नी कुछ। तो आप एक बार में एक ही क्रिया करो, एक बार में 10 क्रिया करेंगे तो मन बटा होता है। एक बार में एक क्रिया कर लें और वो पूरी तरह से कर लें, तो आप उस किसी भी क्रिया को, खाना बनाना हो, जॉगिंग करनी हो, साइकिलिंग करनी हो, आप उसको ध्यान बना सकते हैं। उसके बाद आप आधा घंटे या 20 मिनट आंख बंद करके बैठ गए या लेट गए। और ये जो बहाना है कि मेरे पेट पीठ में दर्द है इस कारण मैं लेट के ध्यान करती हूँ, तो इसमें भी आपकी ड्यूटी है पहले कि आपके पीठ का दर्द ठीक करो। ध्यान की विधियों को अपने हिसाब से डिजाइन नहीं करिए। लेटना हमारी नींद के साथ एक कंडीशनिंग है। आप जब भी लेट के विधियों के साथ बर्ताव करेंगी तो आधी स्लीप तो वैसे ही ले ली आपने, हमारा शरीर ट्रेन है उसके लिए। आप खड़े खड़े तो नहीं सोती ना, कोई भी आदमी लेट के ही सोता है और 8 घंटे सोता है, तो इसके लिए तो हमारा पूरा सिस्टम रेडी है। हम लेटे नहीं कि हमारा मन आधी नींद में गया नहीं, तो हम जागेंगे कैसे, होशपूर्ण कैसे बनेंगे फिर। तो आप पीठ को का जो भी तकलीफ है उसको पहले तो उसको ठीक करने पर लगो, और ध्यान की विधियां थोड़ा बैठना भी सीखो। कुछ शरीर को खींचना भी पड़ता है, मन को खींचना भी पड़ता है, थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। और ओशो के मार्ग पे तो बहुत ही सरल है, ज्यादा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, मगर इतना तो है कि भाई आप आधा घंटा घंटा कभी बैठ के प्रवचन सुन सके, कोई विधि ऐसी है जिसमें बैठ के करना है वो कर सके, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा।